डियर स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेटा कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटे को जब रिप्रेजेंट uh, करना होता है और बिफोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा द इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस स्टोके स्टोकेस्टिक प्रोसेस में जब हम मूव करते हैं तो इसमें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे स्पेसिफिक वेरिएबल पे हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन रेंडम होती है और वो जो रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड हम कलेक्ट करते हैं उसको स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं और ये जो डेटा होता है ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा ऑफ जी डी पी फ्राम टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ट्वेंटी ईयर्स की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी लॉन्ग टाइम में जिसको हम वाई टी से डिनोट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपका एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस होगा और इस स्टोकेस्टिक प्रोसेस में जितने नंबर्स होंगे उनमें ये चीज़ आपने इंश्योर करनी होगी और अपने माइंड में रखनी होगी आल दोज आर रेंडम नंबर वो वो रेंडम नंबर होंगे वो किसी से एसोसिएटेड नहीं होंगे उनका कोई ट्रेंड नहीं होगा उनमें कोई वो एक दूसरे को डिटर्मन नहीं करेगा दूसरा पहले को डिटर्मन नहीं करेगा पहला दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करेगा दूसरा तीसरे पे नहीं डिपेंड करेगा वो एक रैंडम नंबर होंगे वो जिस वक्त रैंडम नंबर को हम कलेक्ट करते हैं जिस तरह इकोनॉमिक सीरीज़ में जनरली हमारे पास जो डेटा होता है जीडीपी का ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास एफ का होता है लॉन्ग uh, टाइम का हमारे पास रेमिटेंस का डेटा होता है हमारे पास ट्रेड का डेटा होता है और वो जो डेटा है डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट होता है बट उसकी करेक्टरिस्टिक्स पहली होती है कि द डेटा इज़ रेंडम उसकी औ, और जो रैंडम नंबर होता है और जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है उसकी अगर एक एग्जाम्पल्स uh, में आपको एक ट्रेंड शो करता हूँ उस ट्रेंड से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो डेटा है जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है वो किस टाइप का होगा इस एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास जो डेटा है ये एक लॉन्ग टाइम का डेटा है इसमें कोई मोर देन 100 हंड्रेड ऑब्जर्वेशन है और जो मोर देन 100 हंड्रेड ऑब्जरवेशन है दीज आर रेंडम नंबर्स ये देखें दिस इज़ माइनस एकदम इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज हुआ, हुआ एकदम से सडन डिक्रीज हुई फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई फिर थोड़ी सी डिक्रीज हुई इंक्रीज ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है इसमें डिफरेंट ईयर्स का डेटा डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है ओवर द लॉन्गर टाइम पीरियड लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि ये सारी रेंडम है और ये जो रेंडम डेटा हम कलेक्ट करते हैं इसको कहते हैं एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है और ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि सम टाइम इसमें ट्रेंड होता है सम टाइम इसमें ट्रेंड नहीं होता सम टाइम इसमें इंटरसेप्ट होता है समटाइम इसमें इंटरसेप्ट नहीं होता सम टाइम ट्रेंड भी होता है और इंटरसेप्ट भी होता है और सम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो रहा होता है तो उसमें ये जो इस टाइप का डेटा होगा इसको हम कहेंगे ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है